हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो जैसे कि आज का वीडियो टाइटल आपने पढ़ा ही होगा और आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं duckstation.org की वेबसाइट पे हूं, जो कि प्ले स्टेशन 1 का इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम प्ले स्टेशन 1 के सभी गेम्स को इजिली प्ले कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। प्ले स्टेशन 1 के गेम्स सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में खेले ही होंगे, चाहे अपने बचपन में या टीनेज रहे होंगे तो, और अभी भी हम वो गेम्स को मिस करते हैं। तो जिनके पास प्ले स्टेशन कंसोल रहा है उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन आज हम इन्हीं सभी रेट्रो गेम्स को इजीली प्ले कर सकते हैं अपने मॉडर्न कंप्यूटर पे, या फिर हमारे पास थोड़ा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हो तो उस पर भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड्स हो तभी आप इन गेम्स को खेल सकते हैं। तो मैंने एक पोस्ट डाला था अपने चैनल पे जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हैं, तो उसमें मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया था व्यूअर्स का। तो आप ही लोगों की डिमांड पे मैं आज ये पहला गेमिंग वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। तो इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए और फिर इसका प्रैक्टिकल करके आप देखिए आपके फेवरेट गेम्स प्ले स्टेशन 1 के इस पे चलते हैं कि नहीं। तो डक स्टेशन क्या है, एक इम्यूलेटर है जो कि प्ले स्टेशन 1 को अच्छे तरीके से इम्यूलेट कर देता है, और ये अभी तक का बेस्ट इम्यूलेटर है जिसके अपडेट्स अभी भी साइट्स पे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं, और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड बटन है। और इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि विजुअल C++ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है। और इसको आप चेक करेंगे कैसे, आप राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट मेनू पे और रन कमांड खुल जाएगा आपके सामने इस तरीके से। यहाँ पे आप कमांड डालेंगे ऐप viz.cpl, ओके करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल दिख रहे हैं। तो अगर ये आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो आप इस पैच को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर रीस्टार्ट मांगे सिस्टम तो रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आप ये डक स्टेशन इम्यूलेटर को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करते ही इसका डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो रखा है, और ये 23 MB का है सॉफ्टवेयर। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको अभी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने अपना सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो जो हमने इम्यूलेटर डक स्टेशन डाउनलोड किया था वो ये है हमारे पास। इसको हमें राइट क्लिक करके सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, 7-zip पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू सेम फोल्डर इसी नाम का बन जाएगा यहाँ पे, जो हमारी फाइल का नाम है इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट हो गया ये फोल्डर यहाँ पे। इसके बाद ये हमारी बायोस फाइल है, इसको भी हम इसी प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको राइट क्लिक करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये बायोस आपको कहाँ से मिलेगी, इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये कॉपीराइट मटेरियल होता है कंपनी के द्वारा। तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपली आप कीवर्ड सर्च करेंगे बायोस फॉर प्लेस्टेशन 1 या फिर PS1 बायोस लिख के आप सर्च करेंगे, आपको इस तरीके से सेम यही नंबर ऐसे इस तरीके से आपको अल्फान्यूमेरिक मिलेगा, SCPH1001 इस तरीके से आपको मिलेगा, और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखने में आपको इस तरीके से फाइल मिलेगी, इसके अंदर अगर आप खोल के देखेंगे तो यही बायोस होती है और यही हेल्प करेगी आपको इस इम्यूलेटर को रन करने के लिए। उसके बाद मेरे पास ये गेम्स हैं प्ले स्टेशन 1 के, इनको भी हम 1x1 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जल्दी से इनको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, 7-zip पे जाते हैं और सेम फाइल का नेम से फोल्डर बन जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे गेम्स 1x1 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सभी गेम्स को इसी तरीके से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों हमने सभी गेम्स को देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, टेकन 3, हमारा WWF स्मैकडाउन 2, ये WWF रेसलमेनिया। तो इन तीनों गेम्स को ही हम आज प्ले करके देखेंगे, और इसके लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट क्लिक किया, कट किया, और एक डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ PS1 गेम्स, और
इसी में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने गेम्स एक्सट्रैक्ट करे हैं। तो ये मेरे गेम्स अभी देखिए इसके अंदर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने अपना इम्युलेटर डेस्कटेशन को एक्सट्रैक्ट किया था इसको भी कट करके मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने रख लिया है इसको, और बायोस हमने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, डेस्कटेशन का जो सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट किया है उसको हमें डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से कंटेंट दिखेगा। तो ये हमारी exe फाइल है सॉफ्टवेयर को रन करने की। तो इस फाइल को हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, और जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए आपके सामने इस तरीके से ये विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको न्यू गेम ऐड करना है तो यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको वो लोकेशन देनी है जहाँ पे आपके गेम्स रखे हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करे थे सभी गेम्स, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और मेरा PS1 वाला फोल्डर ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे कहेगा कि क्या आपको स्कैन करने हैं गेम्स अपने, तो मैं यस कर दूंगा। तो ये गेम्स देखिए हमारे इस तरीके से शो होने लगेंगे यहाँ पे, और ये हमें अभी इस तरीके से दिख रहे हैं। इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसका व्यू यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे। आप इसका साइज छोटा बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे ग्राफिक्स इसके कॉन्फ़िगर करेंगे। ग्राफिक्स में जाने के बाद आपको इस तरीके से विजार्ड सामने आएगा, और यहाँ पे देखिए ये आप ऑटोमेटिक रहने दे सकते हैं रेंडर, या फिर अगर आपके सिस्टम में या लैपटॉप या डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हर सेटिंग्स को जाके चेक करना पड़ेगा। मेरे लिए ये वाली सेटिंग बेस्ट है सॉफ्टवेयर वाली, तो मैं इसको यही रहने दूंगा। आप चाहे तो वॉल्कन ओपन जीएल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या आपका ग्राफिक कार्ड जो भी शो हो रहा है वो सभी सेटिंग्स को आप देख के चेक कर लेंगे। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे भी कर देता हूँ, आपके सामने सभी सेटिंग्स करके दिखाता हूँ। तो मेरे लिए मैंने पहले से टेस्ट करा है, तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर वाली सेटिंग यहाँ पे बेस्ट आ रही है, तो मैं इसको यही रहने दूंगा। अडेप्टर को आप डिफॉल्ट छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चेंजेस करना पड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसको आप ऑटोमेटिक ही कर देंगे। ऑटोमेटिक छोड़ने के बाद आप ये वापस इसको चेंज कर लेंगे। तो पहले आप इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे, उसके बाद इंटरनल रेजोल्यूशन आप अपने मॉनिटर के हिसाब से सेट कर लेंगे। मेरा मॉनिटर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है 8x रेजोल्यूशन, यहाँ पे 8x नेटिव, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। आपका मॉनिटर अगर 1080 पिक्सल सपोर्ट करता है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8x नेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डाउन सैम्पलिंग आपकी डिसेबल रहने वाली है, और यहाँ पे टेक्सचर फिल्टरिंग जो है वो आपको XBR वेरी स्लो रखना है। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो आपका ऑटोमेटिक गेम के हिसाब से भी आ सकता है अगर आप यही छोड़ेंगे, और नहीं तो आप डिफॉल्ट जो होता है प्लेस्टेशन 1 के गेम्स 4:3 पे चलते हैं। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे चलाना है तो बेस्ट रहेगा आप 16:9 रखिए। तो मैं इसको 16:9 रख रहा हूँ, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। तो ये कर लेने के बाद अभी आपको ये वी सिंक ऑप्शन नीचे आता है, इसको आप वी सिंक ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, अगर आपका रेजोल्यूशन में स्क्रीन टेयर आ रहा है या ग्राफिक्स रेजोल्यूशन फटे फटे आ रहे हैं तो ये उसको सही कर देगा। और स्केलिंग को आप बाइलिनियर स्मूथ ही रहने देंगे। आप सारी सेटिंग्स इसी तरीके से रखेंगे। नीचे आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें आपको ट्रू कलरिंग सेलेक्ट रहने देना है, और इंटरलांसिंग को डिसेबल कर देना है, ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। तो ये सभी सेटिंग्स इसी प्रकार से रहने वाली हैं यहाँ पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इसको सेट कर लीजिए, और इसके बाद आप जब प्ले करके देखेंगे इन सभी रेंडरिंग सेटिंग्स पे 1:1, तो आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर पे चलाता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है, तो देखिए ये वाली 3 सेटिंग्स ऊपर की आपको डिसेबल हो जाती हैं। तो आपको अगर इनको चेंज करना है तो पहले आपको इसको ऑटोमेटिक पे करना पड़ेगा, फिर आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा रेजोल्यूशन मॉनिटर का जो सपोर्ट कर लेता है वो 4K तक सपोर्ट कर लेता है, तो लेकिन मैं इसको 8x नेटिव पे रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लेंगे, और बाकी की सेटिंग्स आपको नहीं छेड़ना है, तो ये यही रहेगी। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर पे लाके सेट कर देता हूँ।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन पे आना है, तो बाकी सब आपको ऐसे ही छोड़ देना है और ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टिक रहेंगे थ्रेडेड रेंडरिंग, और ये भी ऐसे ही रहने वाला है, इसको टच नहीं करेंगे। इसके बाद आप ओएसडी ऑप्शन पे आ जाएंगे और ये भी आपका सब डिफॉल्ट पे रहेगा। आप चाहें तो अगर इसमें कुछ सेटिंग्स शो करना चाहते हैं, जैसे कि स्टेटस इंडिकेटर आपको दिखे, आपके गेम के FPS आपको दिखे स्क्रीन पे, तो वो सब सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैप्चर में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये होता है, और बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये सारी सेटिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और सेम सेटिंग्स आप कॉन्फिगर कर देंगे। तो इतना कर देने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर देने के बाद अभी वापस फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और एक बार बायोस हमें चेक करना है यहाँ पे। तो बायोस आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बायोस पे आएंगे आप, उसके बाद ये देखिए पाथ दिख रहा है यहाँ पे जो डिफॉल्ट रहता है, यहाँ से आपको करेक्ट पाथ देना है। तो मैंने अपनी बायोस रखा हुआ है न्यू फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर, ये फोल्डर है मेरा बायोस का SCPH1001, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद देखिए मेरे सभी बायोस यहाँ पे अपडेट होके शो होने लगे। आप बायोस का नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इजिली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइटेड होते हैं, तो इजिली आपको गूगल सर्च करने से मिल जाएगा। PS1 बायोस करके आप सर्च करेंगे, आपको इजिली मिल जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको जो गेम रन करने होंगे फुल स्क्रीन पे, अगर आप चाहते हैं तो इंटरफेस पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप इस सेटिंग को गेम प्ले सेटिंग के अंदर स्टार्ट फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे रन करना चाहते हैं। तो मैं भी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में इसको फुल स्क्रीन पे हम रन करेंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये आपको जो गेम लिस्ट दिख रही है इस पे आप कवर आर्ट भी लगा सकते हैं, जैसे अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये व्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पे कवर आर्ट ऐड करने के लिए मैं आपको एक और साइट पे ले चलता हूँ। देखिए साइट का नाम है steamgriddb.com, इस पे आ जाएंगे और आप अपने गेम्स के कवर आर्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी कवर आर्ट आपको अच्छी लगती है। तो मेरे गेम है यहाँ पे Tekken 3, SmackDown 2 और WWF WrestleMania, जल्दी से इनकी कवर आर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं Tekken 3 की कवर आर्ट ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, Tekken 3, तो देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा सर्च करके और यहाँ पे सभी कवर आर्ट मेरे को देखने को मिल जाएंगी। देखिए कितनी इस खूबसूरत कवर आर्ट यहाँ पे आ रही है, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कवर आर्ट चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये वाली कवर आर्ट को चुन लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आपके सामने दिखेगी। तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे, और इसको मैं एक फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे कवर आर्ट, और इसको नेम दे देता हूँ मैं। ये देखिए सेव हो गई। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी गेम के लिए भी कोई भी पिक्चर चुनना है तो वापस हम ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे गेम का नाम टाइप करेंगे, तो हम आपकी WWF SmackDown 2 के लिए सर्च करेंगे तो ये आ रहा है WWF SmackDown 2 Know Your Role, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से जो भी कवर आर्ट आपको पसंद आ रही है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये वाली कवर आर्ट को चुन लेता हूँ और इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम और सेव एज इमेज करेंगे, और यहाँ पे इसको हम कोई भी नेम दे देंगे, उसी पाथ पे ये सेव हो जाएगी जाके। स्मैकडाउन 2 नेम मैंने इसको दे दिया, ये भी डाउनलोड हो गई हमारी। इसके बाद वापस हम ब्राउज बटन पे जाएंगे और यहाँ पे अपने थर्ड गेम के लिए भी कवर आर्ट को डाउनलोड करें। तो लास्ट गेम का नाम है हमारा WWF WrestleMania आर्केड गेम ये है, और देखिए ये इसकी कवर आर्ट आ गई। यहाँ पे जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कवर आर्ट आप चुन सकते हैं। यहाँ पे PlayStation वाली कवर आर्ट हमें चाहिए तो ये वाली कवर आर्ट देखिए PlayStation 1 की है, इसको हम चुन लेते हैं। आप कोई भी कवर आर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके सेव एज करके इसका नाम दे देता हूँ मैं। तो देखिए तीनों कवर आर्ट हमारी सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, वापस डेस्कटॉप पे जाना है हमारे। ये देखिए कवर आर्ट नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया है। अभी हमें क्या करना है, अपने गेम स्टेशन पे वापस चलना है। तो हम यहाँ पे गेम पे Tekken 3 गेम पे राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आएगा हमारा सेट कवर इमेज, इस पे क्लिक करेंगे
और डेस्कटॉप पे हमने कवर आर्ट नाम से फोल्डर बनाया था, ये देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, उसके बाद टेकन थ्री हम इमेज को चुन लेंगे और ओपन करेंगे। तो देखिए कवर आर्ट यहाँ पे सेट हो गई गेम के ऊपर। सेकंड गेम है हमारा स्मैकडाउन 2 और फिर से ऐसे ही कवर आर्ट हम इसको चूज कर लेंगे स्मैकडाउन 2 के लिए, ये देखिए सेट हो गई। और हमारी रेसलमेनिया गेम के लिए जो आर्केड गेम है उसके लिए भी हम ये वाली कवर आर्ट चुन लेंगे। देखिए तीनों गेम पे कवर आर्ट हमारी सेट हो गई है। अभी हमें लास्ट में कंट्रोलर सेट करना है, तो इसके लिए सेटिंग्स पे जाएंगे हम और कंट्रोलर्स में आएंगे और यहाँ पे आपका प्लेस्टेशन 3 कंट्रोलर, प्लेस्टेशन 4 या एक्सबॉक्स, जो भी ब्लूटूथ कंट्रोलर हैं आपके पास वो इजीली काम में आ जाएंगे, या फिर आप पे वायर्ड कंट्रोलर हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यूएसबी कंट्रोलर हैं क्वांटम कंपनी के, को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यूएसबी पोर्ट पे मैंने अपने कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया है पहले से, और कंट्रोलर पोर्ट 1 एनालॉग कंट्रोलर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये मेरा कंट्रोलर एनालॉग कंट्रोलर इसने फाइंड आउट कर लिया। और जैसे ही आप प्लग इन करेंगे आपके सामने रेड लाइट जलती हुई मिलेगी आपके कंट्रोलर के ऊपर, जो भी इंडिकेटर है उसका, तो आपको ये डिटेक्ट कर लेना है। और डिटेक्ट अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्च में टाइप करूँगा जॉयस्टिक यूएसबी गेम कंट्रोलर, देखिए दे रहा है ये ऑप्शन। देखिए मेरे यूएसबी कंट्रोलर यहाँ पे ये फाउंड हो गए, जो कि जेनपिक करके दिखा रहा है। तो यहाँ से आप जा करके प्रॉपर्टीज में जाके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे कंट्रोलर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, कंट्रोलर पे आएंगे, उसके बाद कंट्रोलर 1 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एनालॉग कंट्रोलर देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर आपका ब्लूटूथ होगा तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। मेरा एनालॉग है, एनालॉग कंट्रोलर मैं सेलेक्ट रहने देता हूँ। और देखिए यहाँ पे डी पैड, एनालॉग, लेफ्ट एनालॉग, राइट एनालॉग, और ये सारे बटन्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड माउस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए कीबोर्ड के बटन यहाँ पे सेट हो रखे हैं, तो मैं इसको अपने हिसाब से बाइंडिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको बाइंड करने के लिए, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डी पैड से, अप बटन ये दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको टाइम देगा अपने बटन सेलेक्ट करने के लिए। तो कंट्रोलर मैंने हाथ में उठा रखा है और अप बटन पे मैं क्लिक करता हूँ अपने माउस के थ्रू, और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर के अप बटन पे क्लिक करूँगा साथ ही साथ। तो देखिए अप बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए चेंज हो गया बटन। ऐसे ही मैं लेफ्ट बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए लेफ्ट बटन सेलेक्ट हो गया। अभी मैं राइट बटन पे क्लिक करूँगा, राइट बटन सेलेक्ट हो गया। डाउन पे क्लिक करूँगा, डाउन सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से एनालॉग बटन पे अप बटन को सेट करूँगा मैं, देखिए अप बटन सेट हो गया। लेफ्ट राइट एनालॉग, डाउन एनालॉग, और यहाँ पे मोटर सेलेक्ट करने को कह रहा है, लार्ज मोटर, लार्ज मोटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए वाइब्रेटर के लिए। और L1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेरे को, ये L1 सेलेक्ट हो गया बटन, L2 सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप सभी बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं जल्दी से सारे बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सभी बटन को देखिए यहाँ पे सेट कर लिया है अपने कंट्रोलर पे। इसके बाद आपको ये प्रोफाइल सेव करनी होगी। सेव करने के लिए आप न्यू प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल का कोई भी नेम दे देंगे, तो मैं यहाँ पे PS1 और ओके कर देता हूँ। तो देखिए PS1 नाम से मेरी प्रोफाइल यहाँ पे देखिए सेव हो गई है, सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ पे मैप हो गई हैं। अगर आपको वापस इसको चेंज करना है तो आप ये प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैपिंग करने के बाद अपने बटन्स के कंट्रोलर को मैं यहाँ पे सेटिंग्स को क्लोज कर देता हूँ और अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना गेम प्ले, कैसे गेम्स हमारे प्ले हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं WWF रेसलमेनिया स्टार्ट करता हूँ गेम, डबल क्लिक करेंगे इस पे। Good evening, ladies and gentlemen. This is Howard Finkel. देखिए गेम हमारा ये चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। Tonight in the squared circle, The Undertaker versus Bret Hart. देखिए गेम हमारा यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल स्मूथ। इसको मैं पॉज कर देता हूँ और आपको फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका दिखाता हूँ। सेटिंग्स बटन पे हम जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे और
इंटरफेस में जाके इसको मैं स्टार्ट फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए डबल क्लिक करा मैंने स्क्रीन पे और यहाँ पे ये हमारा फुल स्क्रीन पे हो गया। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। प्लेयर ले रखा है जी। फर्स्ट फाइट मैंने जीत ली है यहाँ पे। इस तरीके से आप देखिए कितना स्मूथ चल रहा है गेम। अभी हम दूसरा गेम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं देखिए स्क्रीन पे अपने डबल क्लिक करूँगा और ये वापस नॉर्मल व्यू में आ गया है। और यहाँ से हम सिस्टम में जाएंगे और इसको पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी हमें सेव नहीं करना है इसको, तो पावर ऑफ विदाउट सेविंग मैं कर देता हूँ। ये पावर ऑफ हो गया हमारा। सेकंड गेम हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, WWF स्मैकडाउन। और ये देखिए आप डबल क्लिक जैसे ही मैंने करा ये कह रहा है फ्रेश बूट कराना है या लोड स्टेट में, तो हम फ्रेश बूट इसको कराते हैं। और देखिए मैंने क्योंकि फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन चुन रखा है गेम के स्टार्ट होने पे, तो देखिए फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है। देखिए हमारा लेजेंडरी लोगो प्लेस्टेशन 1 का। We'll be right back.
देखिए हमारा गेम प्ले कितना स्मूथ चल रहा है। जल्दी से अपना थर्ड गेम प्ले कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और टेकन थ्री गेम को प्ले करते हैं यहाँ से डबल गेम। देखिए यहाँ पे सारे मोड आ रहे हैं टेकन थ्री के। आपने बहुत खेला होगा गेम आप सभी लोगों ने, मैं आशा करता हूँ। और ये मैंने भी अपने बचपन में बहुत खेला है, सबसे फेवरेट गेम रहा रहता था हर गेमिंग पार्लर पे। और भीड़ लगी रहती थी, लोग इसको खेलने के लिए पागल हुआ करते थे। उस समय ₹1 का कॉइन आप खेला करते थे। तो आर्केड मोड में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। फाइट करेंगे तो हमारा अपोनेंट है यहाँ पे ली। राउंड लगा कमेंट अवश्य कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए, आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी मैं अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं। इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।